बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। हमारी सियासत में, मौजूदा मुल्की सियासत में आज का दिन बहुत अहम है। ऐसे दो चार दिन और गुजरे हैं जिस तरह का दिन हमारी मौजूदा मुल्की सियासत में आज का दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज तीन खसूसी इजलास जो हैं उनकी सदारत कर रहे हैं, और ये इजलास जो हैं ये इसी मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से हैं। एक इजलास काबीना की कमेटी का है, उसके अलावा एक इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का और इत्तेहादी जमातों का है, और फिर एक और इजलास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की CEC का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। दो बिल्स हैं, इन दो बिल्स के बारे में हुकूमत जो है वो बहुत परेशान है, और इन बिल्स को हुकूमत मंजूर कराना चाहती है। हमने देखा था अभी रिसेंटली एक इजलास हुआ कौमी असम्बली का, और स्पीकर असद कैसर को इजलास इसलिए मुलतवी करना पड़ा क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। हुक्मरान जमात को कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना पड़े, ये हुकूमत के मुखालिफिन के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। तो उन्होंने कहा कि इस मौके पर जब हुकूमत पर तनकीद हो रही है, महंगाई पर, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर, और हुकूमत IMF के पास जो है वो एक बार फिर मौजूद है अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए, तो इस मौके पर हुकूमत को जब दो अहम तरीन बिल्स मंजूर करवाने हैं इजलास मुलतवी करना पड़े, ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस सूरत हाल में इन दोनों बिल्स पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सूरत हाल क्या है इस पर पहले बात कर लेते हैं। ये जो दोनों बिल्स हैं, एक बिल इस वक्त IMF से मुतालिक है और दूसरा बिल मिनी बजट से मुतालिक है। इन दोनों बिल्स पर हुकूमत के अपने बाज लोग हुकूमत को कह रहे हैं कि ये बिल्स तबाही का बाइस बनेंगे, ये तजियाकारों का कहना है। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं जिनमें ख़ास तौर पर काफ लीग है, MQM है, GDA भी है, इनके हवाले से खबरें इब्तिदा में ये आईं कि ये भी इन बिल्स पर हुकूमत का साथ देने के लिए रजामंद नहीं हैं, और ओपोजिशन जमातों ने ख़ास तौर पर PMLN के लोगों ने ये कोशिश की कि हुकूमती अपने अराकीन को भी और हुकूमत के इत्तेहादियों को भी इस बात पर रजामंद किया जाए कि हुकूमत के लिए इस बिल पर वोट ना करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ राबते किए, शायद खाकान अब्बासी साहब ने TV प्रोग्राम में सवाल हुआ कि आप जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद MNAs और इस वक्त जो MNAs हैं 22 के करीब, ये MNAs अगर आपका साथ देने को तैयार हैं, ये आपसे टिकट मांग रहे हैं, तो फिर इन्हीं MNAs की मदद से आप हुकूमत को इन बिल्स में शिकस्त देते हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए इन बिल्स का मंजूर कराना बहुत ज़रूरी है और इनमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। काफ लीग ने अब फैसला कर लिया है, काफ लीग इन बिल्स पर हुकूमत को वोट देगी, सपोर्ट करेगी, ये काफ लीग का फैसला सामने आ गया है। इससे पहले काबीना के इजलास में काफ लीग ने भी और MQM ने भी ये कहा था कि हमें ये बिल बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया, आप हमसे इस बिल पर मंजूरी मांग रहे हैं। इससे पहले भी ये होता है कि सर्कुलेशन के ज़रिए जो है मंजूरी ले ली जाती है, तो अब की बार ये ना कीजिए, हमें पता चले कि क्या हो रहा है। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ठीक है, आपको इन बिल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या चाहते हैं, इन बिल्स के ज़रिए ये बताने के लिए जो है हम एक सेशन रख लेते हैं। तो इस मौके पर इत्तेहादियों ने ये बात कहकर टाइम गेन कर लिया। अब MQM जो है वो ये कह रही है कि हम इस बिल पर तहफ़ुज़ात रखते हैं, शदीद तहफ़ुज़ात। MQM की अल्ताफ़ हुसैन साहब के वक्त से ही एक पॉलिसी है, वो ये कहते हैं कि जो जागीरदाराना वडेराना सरमायादाराना निज़ाम है, इस निज़ाम को तकवीत मिलती है हमारे हुक्मरानों के इकदाम से, और एक बार फिर तकवीत मिलेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अगर टैक्स लगाने तो वडेरों पर लगाएं, जागीरदारों पर लगाएं, सरमायादारों पर लगाएं, एक आम आदमी पर टैक्स ना लगाएं। वो वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसके लिए महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। हर आए दिन खबर आती है कि जो हफ्तावार आदाद व शुमार हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के, वो बताते हैं कि महंगाई 0.4% मजीद बढ़ गई, महंगाई 0.5% मजीद बढ़ गई, महंगाई 0.25% मजीद बढ़ गई। तो महंगाई जो है वह अब मुसलसल बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मिनी बजट है इसमें टैक्सेस जो है वो आम आदमी पर ना लगाए जाएं, ये हमारे तहफ़ुज़ात हैं। आप लगाएं वडेरों पर, सरमायेदारों पर, जागीरदारों पर, चौधरीयों पर टैक्स लगाएं, जो टैक्स निज़ाम से भागते हैं, और हमारे यहाँ भागते हैं ये लोग। हमारे यहाँ ज़रा इनकम पर टैक्स लगाना बड़ा मुश्किल काम रहा है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना बड़ा मुश्किल काम रहा है, रियल इस्टेट वालों को टैक्स नेट में लाना बड़ा मुश्किल काम रहा है। जो टैक्स नेट में है उसी की गर्दन पकड़ो, दबाते जाओ, लेते जाओ, ये हमारे यहाँ बड़ी आसानी से हो जाता है।
लेकिन वो जो मालदार आदमी टैक्स नेट से बाहर है, उस बड़ी मछली को इस जाल में लाने के लिए कुछ नहीं कर पाते ये लोग। तो ये एमकेएम ने कहा है, डिमांड अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि ऐसे मौके पर जब हुकूमत मुश्किल में हो तो इत्तेहादी जो हैं वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। और ऐसे ही मौके पर जो है वो इत्तेहादी अपनी एक आध वजारत बढ़ा लेते हैं, अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, अपने अजला में जो अफसरान की तायुनाती के मामलात हैं वो सीधे कर लेते हैं। कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर लगवाना हो उसके लिए इख्तियार दे देते हैं, कोई बल्दिया का बड़ा अफसर लगाना हो, ये तमाम मामलात अपने काम करवा लेते हैं इत्तेहादी ऐसे मौके पर जब हुकूमत कमज़ोर पड़ रही हो। तो बहरहाल एमक्यूएम ने डिमांड अच्छी रखी है, काफली मान गई है। जीडीए के बारे में भी इत्तलाती आ रही हैं कि जीडीए भी नीम रजामंदी जाहिर कर चुकी है, और आज दिन के अख्तितम तक ये खबर आ जाएगी कि जीडीए भी मान गई है। तो हुकूमत अपने अराकीन को भी मना लेगी, और ये मरहला जिसके बारे में कहा जा रहा है नजम सेठी साहब की जानिब से या दीगर सहाफ़ियों की जानिब से कि ये मरहला हुकूमत के लिए डू और डाई का मरहला है, हुकूमत ये ना कर पाई तो फिर उसके बाद आगे कैसे चलेगी। ये सीधी सीधी तहरीक अदम एतमाद है हुकूमत के खिलाफ। अपोजिशन ने भी अपनी हिकमत अमली तय कर ली है, पीपल्स पार्टी के दरमियान काफिली के दरमियान रबते हुए हैं, और ये तय किया गया है कि हम हुकूमत को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं देंगे, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे अराकीन तमाम के तमाम मौजूद हों और हुकूमत के खिलाफ वोट डालें। फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे अराकीन को फ़ोन्स आ जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट फ़ोन करती है हमारे अराकीन को फ़ोन आ जाते हैं, और इस बार भी फ़ोन आ सकते हैं। उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत के सरपड़ से हाथ हटाया है, मुकम्मल नहीं हटाया, हटा लिया है। इस्टेब्लिशमेंट अब हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, ये तमाम अजीब एक खिचड़ी पकी हुई है जो इस वक्त हमारे सामने है। इस तमाम दर सूरत हाल में कोई भी ये नहीं देख रहा कि इन बिल्स का जो नतीजा है वो होगा क्या। इस वक्त इन बिल्स का नतीजा यानी बिल्स मंजूर हो गए तो मईशत पे, एक आम आदमी की मईशत पे, एक आम आदमी की जेब पे क्या असरात होंगे, इस पर बहस नहीं हो रही। बहस इस पर हो रही है कि इन बिल्स के मंजूर होने ना होने से इमरान खान के जाने या ना जाने का रास्ता जो है वो बंद होगा, खुलेगा, इस पर बात हो रही है। अब ये बिल्स मंजूर हो गए तो इमरान खान की हुकूमत आगे चलेगी, और इमरान खान इस साल अहम तरीन फैसला करेंगे, यानी 2022 में अहम तरीन फैसला करेंगे। वो फैसला जो है वो नए आर्मी चीफ से मुतालिक है। इमरान खान को उस फैसले से रोकना, ये अपोजिशन जमातों का मकसद है, और इस मकसद के लिए अपोजिशन अपना जोर लगा रही है, हुकूमत अपना जोर लगा रही है। इत्तलात जो अब तक आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत का कॉन्फिडेंस अपने लोगों से और इत्तेहादियों से बात करने के बाद बता ये रहा है कि हुकूमत ये लड़ाई भी जीत लेगी, आगे बढ़ेगी। और इमरान खान साहब ये जो दो फैसले हैं, 2022 का बजट, इलेक्शन ईयर का बजट, और इस बजट के बाद नए आर्मी चीफ का फैसला, दोनों फैसले इमरान खान करेंगे। इमरान खान ये दोनों फैसले करें, इमरान खान इससे आगे कामयाब हों, और फिर उसके बाद जो है आवाम की बहबूद के लिए कुछ फैसले करें, महंगाई कम करने के लिए फैसले करें, और वो फैसले कामयाब हों, ये किसी की भी, मेरी भी, हुकूमत मुखालिफिन की भी मंशा होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भलाई एक आम आदमी की। और अगर ये हुकूमत जो है वो अवामी रिलीफ में अब तक कामयाब नहीं हुई है, नहीं हो पाती कामयाब, तो फिर लोग अपने वोट से फैसला करेंगे इस हुकूमत का। इस हुकूमत का फैसला वैसे हो जैसे इस वक्त अपोजिशन चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत को घर भेज दें, जो जरदारी साहब ने भी कहा, और जो मरियम बीबी पहले कह चुकी हैं फिर मुकर चुकी हैं, और इस वक्त मियाँ साहब के बारे में इत्तला आ रही हैं, मियाँ साहब लंदन से यही बातें कर रहे हैं। ऐसा किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।